नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और काफी दिनों से आप कमेंट कर रहे हैं जब से पदों का वर्गीकरण आया है कि सर अब तो बता दो, अब तो बता दो, अब तो बता दो। हालांकि साथियों, यदि आपको समझना ही है व्यवस्थित बात को तो वीडियो को पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा 15-20-25 मिनट का हो सकता है। और कट ऑफ बताने से ज्यादा जो है मैं पढ़ाने में विश्वास करता हूँ, इसीलिए इतना लंबा ये कट ऑफ का मतलब कितने दिनों बाद में गया। लेकिन विद्यार्थी निरंतर पीछे पड़े हुए हैं और हर क्लास के अंदर भी यही कमेंट आ रहे हैं कि सर एक बार कट ऑफ बता दो। मैसेज में भी ये पूछ रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए हैं व्हाट्सएप के, वहां पे भी ये पूछ रहे हैं। हालांकि ये नंबर सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस पर बाकी किसी का जवाब देंगे नहीं, क्योंकि इस पर जो टीम जवाब देने के लिए बैठी है उसे सिर्फ टेस्ट सीरीज की जानकारी है, बाकी कोई जानकारी है ही नहीं, तो वो आपको जवाब दे भी नहीं पाएंगे। तो आज के वीडियो में साथियों जो है कट ऑफ का अनुमान है जो पूर्णतया व्यक्तिगत है, और अंतिम जो आता है वो तो अंतिम देखो विभाग का आएगा, वो ही मान्य होगा। लेकिन आप मेरा अनुमान मानना चाह रहे थे, जो मेरा अनुमान है एक हालांकि एक निश्चित विश्लेषण के बाद, और आप लोग इसलिए पीछे पड़े हुए थे क्योंकि अभी तक जितने बताए हैं वो ईश्वर की कृपा से सटीक बैठे हैं। तो कोशिश आज भी यही है, और जहां तक मेरा अनुमान है वो यही लगभग बैठनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो है पूर्ण रूपेण जरूरी नहीं है कि यही बैठे, तो व्यक्तिगत है। अब इसमें ऐसा है किसी को कम तो किसी को ज्यादा लग सकता है, हर पहलू के दो पक्ष होते हैं, एक इधर एक इधर। जिसके नंबर ज्यादा है उसे ये कम लगेगी और जिसके नंबर कम है उसे ये ज्यादा लगेगी, वो बात स्वाभाविक है। इस ये मतलब समझने की बात है, ठीक है। और सिर्फ कट ऑफ ही नहीं देखनी है आपको, मान लीजिए देख भी लेते हो तो आगे जो एग्जाम आ रहे हैं उनकी निरंतर तैयारी करनी है। तो अपन कट ऑफ पे बात करते हैं, एक एक चीज बता दूंगा। वीडियो शुरू होते ही कमेंट करने से बेहतर है पूरा वीडियो देखें, उसके बाद में यदि जवाब नहीं मिलता है फिर कमेंट आप कर सकते हैं। उससे पहले साथियों एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, जो नए जुड़े हैं उन्हें भी और जो बार बार कह रहे थे उन्हें भी, अपना जो टेस्ट सीरीज के लिए, हालांकि ये विद्यार्थियों के कहने पर ही शुरू किया है, और टेस्ट सीरीज के लिए जो ऐप आप कह रहे थे 51 वाली टेस्ट सीरीज, सर ऐप कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर पे आ चुका है, GGD लिखेंगे तुरंत बता देगा, और काफी विद्यार्थी फायदा उठा भी रहे हैं। 51 रुपए में ही क्यों और कैसे कितना सब क्या मिलेगा उसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, और टेस्ट सीरीज नाम से प्लेलिस्ट भी है, उसमें जाके पूरी डिटेल देख सकते हो, कैसे ज्वाइन करना है कैसे नहीं करना है सब दे रखा है। थोड़ी सी मतलब उसमें झलक मैं यहाँ पे बता दूंगा, मात्र 51 रुपए में मतलब सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सिलेबस को दो भागों में बांटा हमने, एक में पूरा राजस्थान और दूसरे में इंडिया और वर्ल्ड। अब जो मात्र 51 में उपलब्ध करवाया है उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू की है, जो अपनी निशुल्क बिल्कुल निशुल्क क्लासेस चल रही है, उसके लिए 1 रुपया न तो आपको पे करना है और न लिया जाएगा, तो वो बिल्कुल निशुल्क ही चल रही है। और निशुल्क का मतलब ये नहीं है कि गुणवत्ता के अंदर समझौता किया जाए, जो विद्यार्थी नियमित जुड़े हुए हैं उन्हें ये चीजें बताने की आवश्यकता नहीं है, वो अच्छी तरीके से समझते हैं, तो वो भी प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हो, और उसके लिए भी स्वतंत्र हो, चाहो तो देख सकते हो चाहो तो नहीं भी, कहीं जहां पे आपका दिल माने वहां पे। कुल मिला के अंतिम लक्ष्य जो है वो सफलता प्राप्त करना है कैसे भी करें, ठीक है। तो अब 51 वाली टेस्ट सीरीज क्यों शुरू करनी पड़ी और क्या है इसके अंदर, तो विद्यार्थियों की निरंतर मांग थी कि सर क्लासेस ही नहीं हमें अभ्यास भी करवाया जाए। पहले टेलीग्राम पे करवाया था, वो अपवादी तत्वों के कारण सही नहीं हो पाया था, तो फिर एक ऐप बनवाकर उसके अंदर विधिवत रूप से जो है इसको शुरू किया गया है। मात्र 51 रुपए जो लागत मूल्य लेनी पड़ रही है, क्योंकि मैं आपके लिए तत्पर हूं निशुल्क सेवा करने के लिए, लेकिन इसके पीछे जो टेक्निकल टीम लगती है, जो सर्वर वगैरह का, क्योंकि दो बार तो आप सर्वर क्रैश करवा चुके हो, तो अब इस वीडियो के बाद भी यदि देखते हो तो इत्मीनान से करें, और जहां तक हो सके कुछ मान लो कुछ छोटा मोटा इश्यू रहता भी है तो अपने स्तर पर सॉल्व करने की करें, जिसको मोबाइल की अच्छी जानकारी है उससे पूछें कि इसमें क्या है कैसे है, बिल्कुल इजी प्रोसेस है। बिल्कुल ही नहीं होता है तो ओनली टेस्ट रिलेटेड इशू आप इस पर भेज सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से रेस्पॉन्स दिया जाएगा, लेकिन इंतजार करें रेस्पॉन्स देने का, तुरंत उसके पीछे मत बढ़ जाएं, बेचारे पागल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, अब उसके अंदर उस टेस्ट सीरीज की क्या विशेषता है कि आपको मतलब पूर्णतया उसके अंदर जितने प्रश्न बनते हैं एक टॉपिक से, मान लीजिए 60 बनते हैं, 70 बनते हैं, 80 बनते हैं, 150 बनते हैं, 200 बनते हैं, जितने भी बनते हैं, हमारा उद्देश्य विद्यार्थी हर एक प्रश्न को देखें, हर एक प्रश्न पर अभ्यास करें और बार बार अभ्यास करें, अभ्यास की कोई लिमिट नहीं है और न उसकी कोई वैलिडिटी है। एग्जाम जब तक नहीं होता तब तक हम उसको रखेंगे और निरंतर उसके अंदर अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे। तो अभी जैसे 4 टॉपिक तो डाल दिए हैं और जैसे आगे आगे जुड़ते जाएंगे, जैसे अफवाह का टॉपिक डाला है पार्ट 1, अफवाह का 90 प्रश्न, पार्ट 2 अभी डालना बाकी है,
राजस्थान के परिचय के 60 प्रश्न बनते थे, 60 डाले, भौतिक के भौतिक प्रदेश के 120 प्रश्न बनते थे, 120। न तो प्रश्नों की लिमिट है, न उसमें मतलब कोई आपके अभ्यास की लिमिट है। बार बार अब इसमें ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, डिटेल यदि देखनी है तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज का अलग से वीडियो बन रखा है, उसमें देखें, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वगैरह सब उसके अंदर प्लेलिस्ट में देख लेना, मिल जाएंगे। बाकी सारा सब कुछ उसके अंदर समझा रखा है और कोई हिडन चार्ज नहीं है, कोई नहीं, विद्यार्थियों के लिए एक तरह की सेवा ही है ये। जब आप उसको देख लोगे टेस्ट सीरीज को तब आपको पता चल जाएगा कि सर, और काफी विद्यार्थी जो है आज फायदा उठा रहे हैं, उन्होंने कहा भी है कि सर इसमें आपको क्या मिलेगा और आप इतनी ये क्यों दे रहे हो, तो वो बात की बात है साथियों, आप तो बस आनंद उठाओ और आपको सिलेक्शन लेना है, इस बात को ध्यान रखना। अब मैंने कहा ना, दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। नकारात्मक पहलू कहेगा कि सर आप तो 51 रुपए लेने लग गए, आपने फ्री कहा था, तो ऐसा है कि मैं तो फ्री ही पढ़ाऊंगा और यूट्यूब पे ही आपको हर क्लासेस मिलेगी, लेकिन इसके पीछे जो टेक्निकल टीम लगती है उनको तो भाई मैं भी कहां से दूंगा फिर, उनको तो उनका खर्चा जो है वो लागत मूल्य, इसलिए 51 रखा, नहीं तो मैं ये भी नहीं रखता, 11 रुपए में दे देता आपको। लेकिन ये है कि ये 51 भी लागत मूल्य निकल जाएगा ना, तो उसके बाद में अपन इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट करेंगे और ये भी जो है विद्यार्थियों के ऊपर ही लगाया जाएगा। विश्वास है तो ज्वाइन करें, नहीं जिनको विश्वास, ये प्रयास उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो विश्वास रखते हैं और जिन्हें विश्वास है, बाकी जबरदस्ती नहीं है, ये एक मतलब ऑप्शन है, तो देख लेना इसको, ठीक है। अब साथियों कट ऑफ के बारे में ऐसा है कि पदों के आधार पर जो आप कट ऑफ कह रहे थे वो है, तो यहाँ पे मैंने वर्ग लिख रखा है, यहाँ पे विषय लिख रखा है, ठीक है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी और एसटी। अब इनके अलावा जो कैटेगरी है वो फिर कहेंगे कि सर हमारी बताओ, हमारी बताओ, नॉन टीएसपी की है, टीएसपी की बताओ, ये भी कहेंगे। तो ऐसा है टीएसपी के लिए प्रयास करेंगे कि एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाए, लेकिन जो अदर कैटेगरी है जैसे परित्यक्ता, विधवा वगैरह, उनके लिए अभी मैं बाद में बताऊंगा आपको कैसे अनुमान निकालना है, वो बताऊंगा। पहले आप ये अनुमान देख लीजिए और लगभग जहां तक मुझे लगता है ये अनुमान बैठेगा, तो ये दो गुना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, ये दो गुना है, दो गुना है, क्योंकि इस बार दो गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे। उसके बाद में जो आपको देखो, अभी तक आप चारों तरफ घूम चुके होंगे, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है कि क्या प्रोसेस है, कैसे है, तो ये दो गुना की कट ऑफ है और जब फाइनल आएगी तो इसमें लगभग 1-1.5% का अंतर रहेगा, ज्यादा ऊपर नीचे होने वाली नहीं है, ठीक है। तो सामाजिक के जो साथियों आपके पद है 2515, ठीक है ना, कटकटा के बाद में बचते हैं ये। जनरल की जो कट ऑफ लगती है 90-10 से, ध्यान रखना अंतिम फाइनल 90-10 फॉर्मूला भी आपको निकालना आता है इस समय, जहां तक मैं समझता हूं यदि आप कट ऑफ का वीडियो देख रहे हो तो आपको 90-10 का फॉर्मूला पता है। तो जनरल की सामाजिक की 80-81% जो है वो जानी चाहिए यहां पे, दो गुना की कट ऑफ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 78-79 और ओबीसी की 79-80 तक रह सकती है, एमबीसी की 78-79 तक रहने की संभावना है, एससी की 76-77 और एसटी की 74-75 तक रहने की संभावना है। आप देखेंगे कि जब कट ऑफ फाइनल आएगी ना, लगभग लगभग इसके आसपास ही बैठेगी, क्योंकि बहुत गहन विश्लेषण और बहुत मतलब लोगों से देखने के बाद में इसको मतलब मक्खन निकाला गया है, वो ये है। अब देखो हिंदी की जो है वो 78-79% अपने ईडब्ल्यूएस में, ये जनरल की थी, ईडब्ल्यूएस में 76-77, ओबीसी में 77-78, एमबीसी में 75.5-76.5, एससी में 73.5-74.5 और एसटी में 71-72 रह सकती है, ठीक है। अंग्रेजी के अंदर देखो 4330 पद है, तो यहां पे 76-77% जनरल की, 73-74% ईडब्ल्यूएस की, 75-76% ओबीसी, 72.5-73.5 एमबीसी, 71-72% आपके एससी और 69-70% आपके एसटी की कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। कट ऑफ के बारे में आप बार बार कमेंट और ये मत करना, एक बार ही बताई जाएगी, बार बार आपको नहीं बताई जाएगी। और इस नंबर पे कट ऑफ से रिलेटेड बिल्कुल भी मैसेज ना करें, क्योंकि इस नंबर पे उनको जानकारी है ही नहीं और वो नहीं देंगे आपको, फिर आप कहेंगे सर हमने मैसेज किया नहीं। इस पर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज से रिलेटेड इश्यू के बारे में ही कॉन्टेक्ट करेंगे आप, अदरवाइज देखो सहयोग करना पड़ेगा, आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, आप लोग ही सहयोग नहीं करोगे तो हमें कोई, फिर हम तो बंद कर देंगे वापस टेस्ट सीरीज, इसमें कोई मिलना जाना कुछ भी नहीं है, उल्टा दो बार आप सर्वर क्रैश करवा चुके हो, बल्कि और अब
जो है उसके अंदर लगने ही लगने हैं सारे, लेकिन फिर भी जो है विद्यार्थियों के लिए हम प्रयास करने को तत्पर हैं। तो ऐसी बात नहीं है, जब इतना मतलब ओखली में सिर दिया ही है तो फिर घाव से नहीं डरेंगे, तो व्यवस्थित रूप से चलें आप और कोऑपरेट करें, और जिन्हें विश्वास है ना वे ही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज किसी के साथ में कोई जबरदस्ती नहीं है, सिर्फ सेवा है जिन्हें लगता है, क्योंकि आपके 50 रुपए से हम जो है अंबानी बनने वाले नहीं है। और यदि किसी को मतलब लेने के बाद भी यदि लगता है कि सर नहीं मुझे तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी या जो भी है, हालांकि 100% एफर्ट मैं कहता हूं कि ये टेस्ट सीरीज आपको लेने वाले 1100 1200 1500 2000 रुपए तक इसके ले सकते हैं, लेकिन हमने जो है सिर्फ 50 रुपए में रखा है ताकि हर अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ विद्यार्थी भी उसको आराम से ले सके और वो अभ्यास के कारण पीछे नहीं रहे, इसलिए प्रयास किया था। तो ये नंबर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है, इस पर अदर कोई भी मैसेज नहीं करेंगे। संस्कृत के लिए देखो 976 पद है साथियों, पद वापस टैली कर देना मेरे हिसाब, मैंने जो लिखे हैं सही है, फिर भी लिखने में हो सकता है फेरबदल हो, आप टैली कर देना ठीक है। संस्कृत के अंदर देखो 80 से 81% जनरल की, 77 से 78% ईडब्ल्यूएस की, 78 से 79% ओबीसी, 77 से 78 आपके एमबीसी, और 73 से 74 रह सकती है एससी की, और 72 से 73 आपके एसटी की रह सकती है ठीक है। गणित और विज्ञान इसमें कट ऑफ ऊंचा भी मारेगी, देखो 83 से 84 दो गुना की है ये ठीक है ना, 80 से 81 आपके ईडब्ल्यूएस की, 81.5 से 82.5 ओबीसी की रह सकती है, 79 से 80% एमबीसी की रह सकती है, 77 से 78% आपकी एससी की रह सकती है, और 74 से 75% इसमें एक दो परसेंट नीचे भी जा सकती है, क्योंकि एसटी में बता रहे हैं कि बैकलॉग के पद जुड़ेंगे वगैरह ऐसा कुछ है इश्यू, तो इसमें थोड़ी सी नीचे भी जा सकती है, तो 74 से 75% अभी आप मानकर चले ठीक है, यानी कि ये सेफ है, लगभग ये सेफ है। फिर L1 की बात करते हैं साथियों, 80 से 81 L1 वाले बिना देखे कमेंट करेंगे, आपकी भी बताइए, 80 से 81% L1 की जनरल की रहेगी, आप देखना लगभग इसके पास, अब इससे ज्यादा कोई मतलब 85 से 86% बता रहा मुझे नहीं लगता जाएगी, और कोई बिल्कुल ही डाउन बता रहा वो भी, लगभग यही रहनी चाहिए मेरे हिसाब से 80 से 81%, और यहाँ पे आपके 77 से 78% रहेगी, यहाँ रहेगी आपके 78 से 79%, यहाँ पे 76 से 77.5 कैटेगरी ऊपर देखते रहना ठीक है, 74 से 75% और 72 से 73% तक यहाँ पे रहने की संभावना है, और लगभग मुझे यहां तक लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है वैसे, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये आंकड़े आपको सही बैठेंगे एकदम, और ये जो आंकड़े हैं वो आपके मतलब अनुमान कह सकते हो ना आप कि बिल्कुल करीबी अनुमान साबित हो सकता है ये, हालांकि दावा नहीं करूंगा, लेकिन जब आएगी तब देखी जाएगी कि कितना आपने अनुमान सही बैठता है, क्योंकि आप लोग मेरा व्यक्तिगत अनुमान जानना चाहते थे इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, अदरवाइज क्लासेस के वीडियो बनाने के लिए भी समय बराबर सेट नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी जो है नियमित क्लासेस अपन ने शुरू किया और कोर्स पूरा करवाऊंगा, बिल्कुल निःशुल्क करवाऊंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्लास आपको एक भी ऐप पर नहीं मिलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए ही है, और टेस्ट सीरीज ही मिलेगी ऐप पर ठीक है। अब ऐप कई लोग कहेंगे सर कैसे डाउनलोड करना, प्ले स्टोर से GGD सर्च करोगे, GGD गौरव ज्ञान धारा सीधा मिल जाएगा ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब ये जो कट ऑफ है ना साथियों, आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए घाई करने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, मैं व्यवस्थित रूप से टेलीग्राम ग्रुप पे अपने PDF अवेलेबल करवा दूंगा, इसकी इमेज अवेलेबल करवा दूंगा, उसको व्यवस्थित बाद में भी आप देख सकते हो कि हाँ ये चीज है ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो ये बता रहे थे कि अपने, हाँ ये बता दूं एक बार कि इस बार पिछली बार की कट ऑफ से उछाल क्यों जाएगा, पिछली बार की कट ऑफ से लगभग 5 से 6% जो है उछाल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि पिछली बार 70-30 का फॉर्मूला था, इस बार जो है 90-10 का फॉर्मूला है, तो 3-4% तो यही उछाल मारेगी। दूसरा कि इस बार जो है ऑनलाइन कोचिंग वगैरह फैसिलिटी बहुत ज्यादा थी, एग्जाम की डेट बार बार आगे खिसके तो बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी थी, कई मतलब विश्व स्तरीय टीचर जो है यूट्यूब पर अपनी क्लासेस दे रहे थे, तो उनसे पढ़कर विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी तैयारी की। दूसरी की पेपर का लेवल थोड़ा सा सरल आ गया, तो ये सारे कारण है इसे 5 से 6% उछाल मारेगी ही मारेगी, और L1 वालों के लिए तो कोई 90-10 का फॉर्मूला है नहीं, सीधी बनेगी, और अब साइंस वाले इसके अंदर नहीं है तो फिर आपकी ये कट ऑफ रह सकती है, नहीं तो थोड़ी सी आपके भी उछाल इसमें, साइंस वाले क्या L2 वाले शामिल नहीं है तो आपके ये रहेगी, नहीं तो थोड़ी सी इसमें भी उछाल मार सकती है। अब जो भूतपूर्व सैनिक है, विधवा, परित्यक्ता और हैंडीकैप, इन लोगों को क्या करना है, आपकी 2018 वाली जो कट ऑफ है उसको देखें और उसमें जितना गैप है आपके जनरल से देख लेना कितना गैप है, तो यहाँ पे जनरल से आपको उतना गैप मेंटेन करके आप मान सकते हो, यहाँ की जनरल से कंपेयर करना, वहां के जनरल में मान लो 6% का गैप है
या 7% का है, तो यहां से जो है आप उस गैप को निकालकर आपकी कट ऑफ आराम से पता लगा सकते हो। अब आप ये कहो कि सर आप ही बताओ, तो थोड़ा काम आप भी कर सकते हो, मैंने आपको आइडिया बता दिया है, यदि जानना चाहते हो तो ये चीज आप वहां पे पता कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये है दो गुना की कट ऑफ और इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बार बार आप कट ऑफ से संबंधित मैसेज नहीं करेंगे क्योंकि अपनी क्लासेस जो है उसका क्रम टूटता है बीच में, और काफी सारे विद्यार्थी जो है सिर्फ क्लासेस के लिए जो है इंतजार करते हैं और बीच में दूसरा वीडियो आता है तो वे भी डिस्टर्ब होते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सभी विद्यार्थियों का ध्यान रखना होता है। अब किसी की इच्छा होती है ये, किसी की इच्छा होती है ये, आप लोग तो बहुत सारे और मैं हूं अकेला, तो सभी की इच्छाओं का ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए ये भी देना जरूरी था। तो फिर आज हो गया है, अब कट ऑफ की बात बार बार नहीं करेंगे आप, और आपको जो चीज चाहिए थी वो मिल चुकी है। तो क्लासेस जो है नियमित अब देखते रहना, और नियमितता जिसके पास है उसके लिए लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है। तो जिन विद्यार्थियों को मतलब क्लासेस लगातार देख रहे हैं और अभ्यास भी करना है तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं और कर लेना। बाकी वहां पे ये है कि ये टेस्ट सीरीज मतलब ज्यादा से ज्यादा अभ्यास को ध्यान में रखकर बनाई गई है, बाकी मतलब इससे ज्यादा आपको डिटेल देखनी है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर और देख लेना। और उम्मीद कर रहा हूं कि कट ऑफ से संबंधित आपकी जो शंका थी वो पूरी हो चुकी है, आपको मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।